अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एमएसएन ऑनलाइन अर्निंग टिप्स। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैर खैर से होंगे। जी दोस्तों, आज की वीडियो में एक बहुत ज़बरदस्त वेबसाइट के बारे में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं, और ये वेबसाइट जो है बिल्कुल 100% रियल है, कोई फेक नहीं, और बहुत सारे लोग इस वेबसाइट से कमा रहे हैं। और इस वेबसाइट की लिंक जो है हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ पर आप क्लिक करके इस वेबसाइट पर विज़िट कर सकते हैं और इस वेबसाइट से आपको अर्निंग कैसे कर सकते हैं। तो इसे बताने से पहले, जो मेंबर्स हमारे चैनल में न्यू है उनसे यही गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए। तो चलिए दोस्तों, हम आपको अभी बताएंगे कि आप इस वेबसाइट से अर्निंग कैसे कर सकते हैं। इस वेबसाइट में अर्निंग आप इस तरीके से कर सकते हो, अगर आपके पास पुराने बुक्स, नोटबुक्स, होमवर्क्स ये सब कुछ है तो आप इसको इस वेबसाइट में पहले आप उनसे तस्वीर लेंगे, उसको स्कैन करेंगे, फिर स्कैन करने के बाद आप उस पिक्चर्स वगैरह को आप यहाँ पर जब अपलोड करते हैं तो आपको, अगर कोई यहाँ इस वेबसाइट में विज़िट करते हैं और आपकी नोट्स देखते हैं, जो पिक्चर्स आपने दे दिया है यहाँ पर, तो वहाँ पर व्यू आपको यहाँ से $10 मिलेंगी। जितने व्यूज़ आएंगे तो पर व्यू से आपको $10 लाजमी मिलेंगे, और बिल्कुल ये 100% रियल है। यहाँ पर आपको ऑल सब्जेक्ट्स दिए हैं इन लोगों ने, बिजनेस के बारे में भी आप दे सकते हो नोट्स, ह्यूमैनिटीज़, मैथमेटिक्स, प्रोग्रामिंग, साइंस, राइटिंग, हेल्थ, मेडिकल, इकोनॉमिक्स, इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, लॉ, फॉरेन लैंग्वेज। अच्छा, आप इन सब के बारे में जिसमें भी आप इंटरेस्ट हो, आपको कुछ चीज़ के बारे में इल्म है, या आपके पुराने बुक्स हैं, नोटबुक्स हैं, होमवर्क है, आप उसको यहाँ पर अपलोड करेंगे तो यहाँ से आप अर्निंग कर सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर आप कैसे अर्निंग कर सकते हैं, तो आप यहाँ पर सेल डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करेंगे। सेल डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप नीचे आएंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है स्टार्ट सेलिंग डॉक्यूमेंट्स। स्टार्ट सेलिंग डॉक्यूमेंट्स पर जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप ईमेल के ज़रिए भी साइन अप कर सकते हो। अपना ईमेल यहाँ पर लिखेंगे, नीचे यूज़र नेम, पासवर्ड पर क्रिएट अकाउंट करेंगे। अगर आप इसके ज़रिए नहीं करना चाहते हो, आप फेसबुक के ज़रिए भी कर सकते हो, लिंक्डइन के ज़रिए भी कर सकते हो, व्हाटएवर जो भी हो उसके ज़रिए आप कर सकते हैं। अच्छा, तो मैंने ऑलरेडी साइन अप कर लिया है, मैं यहाँ पर लॉग इन करता हूँ, फिर लॉग इन होने के बाद हम नेक्स्ट मिलेंगे इंशाल्लाह। अच्छा दोस्तों, जब आप साइन अप करते हैं तो कुछ स्टेप्स है उसको आप कंप्लीट करते हैं। आप अपना स्कूल नेम लिखते हो और कुछ इन्फॉर्मेशन है उसको कंटिन्यू करके अपने प्रोफाइल पिक्चर को अपलोड करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, फिर उसके बाद आपको क्या करना है। उसके बाद मैंने अभी लॉगिन कर लिया है और यहाँ पर आप देख सकते हो अर्न मनी बाय सेलिंग स्टडी डॉक्यूमेंट्स, अर्न पैसिव इनकम ऑफ अप टू $5,000 अ मंथ, वी शेयर योर डॉक्यूमेंट्स विद 10 ऑफ आवर मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स, यू गेट अप टू $10 एवरी टाइम अ स्टूडेंट व्यूज वन। यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया है, इसमें आप मंथली जो है $5,000 तक कमा सकते हो मंथली यहाँ से, और ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पर $5,000 मंथली आप कमाएंगे और आपको पर व्यू जो है स्टूडेंट की पर व्यू से आपको $10 एवरी टाइम, हर बार आपको पर व्यू से ये $10 मिलेंगे। अच्छा, तो यहाँ पर हम नीचे आते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे कि मिसाल के तौर पर यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं यहाँ से अपलोड मोर फाइल्स पर क्लिक करता हूँ, फिर यहाँ से अब मैं कुछ डॉक्यूमेंट्स अगर मैंने बनाए हो तो यहाँ पर क्लिक करते हैं, फिर उसको हम ओपन करते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर वो पेंडिंग में जाते हैं। पेंडिंग में जाने के बाद अगर वो अप्रूव हो जाए, फिर अप्रूव होने के बाद जितनी व्यूज़ आएंगे तो वो हमें बताएंगे कि आपकी इतनी अर्निंग हो गई। और अगर हमारे ज़्यादातर ये जो है डॉक्यूमेंट्स ये डिक्लाइन होते हैं, किसकी वजह से डिक्लाइन होते हैं यहाँ पर आप देख सकते हो इन्होंने क्या बताया है। डॉक्यूमेंट्स आर टिपिकली प्रोसेस्ड विद इन 2 आवर्स, यहाँ पर जब आप डॉक्यूमेंट्स क्लियर करते हो तो 2 घंटे से लेके 3 दिन तक ये लोग लेते हैं, ये डिपेंडिंग में होते हैं। अच्छा, इम्पोर्टेंट, डू नॉट मिक्स पुअर क्वालिटी कॉन्टेंट विद गुड
quality content. This will lead to very large processing delays and potential all content being denied. Poor content includes duplicate content, content with no answer, explanation in content that is not useful. अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हो इन्होंने क्या बताया, do not mix poor quality. आप यहाँ पर कमज़ोर क्वालिटी की कंटेंट यहाँ पर गुड क्वालिटी के साथ आप कंटेंट नहीं कर सकते हैं. do not mix poor quality content with good quality कंटेंट. यहाँ पर आप इन्होंने यही बताया कि आप पुअर क्वालिटी कंटेंट को गुड क्वालिटी कंटेंट के साथ मिक्स नहीं कर सकते. दिस विल लीड टू वेरी लार्ज प्रोसेसिंग डिलेज एंड पोटेंशियल, क्योंकि ये शायद ज़्यादा टाइम ले और हो सकता है कि डिनाइड हो जाए. पुअर कंटेंट इंक्लूड्स डुप्लीकेट, और यहाँ पर पुअर कंटेंट जो है ये बता रहा है कि डुप्लीकेट कंटेंट, कंटेंट विद नो आंसर, ये डुप्लीकेट भी हो सकते हैं. अच्छा, इसको भी हम आप स्किप करते हैं. यहाँ पर आप देख सकते हो डू, यहाँ पर आपको बताया है कि आप क्या करेंगे. हाई क्वालिटी, All uploaded content will be checked for quality. High quality content includes past assignments, quiz and exam preparation in class notes. यहाँ पर आप high quality की documents देंगे, low quality की नहीं देंगे, क्योंकि इनकी ये accept नहीं करते हैं. और यहाँ पर second में क्या बताया है, proper categorization होने चाहिए, meaningful होने चाहिए. और यहाँ पर आपको बताया कि क्या आप नहीं करोगे, लो क्वालिटी आप यहाँ पर अपलोड नहीं करेंगे, नॉट स्ट्रॉन्ग कैटेगराइजेशन और नॉट मीनिंगफुल, अगर किस चीज़ की मतलब नहीं वो भी आप अपलोड नहीं करें, नॉट स्ट्रॉन्ग कैटेगराइजेशन, अगर स्ट्रॉन्ग कैटेगराइजेशन नहीं हो वो भी आप अपलोड नहीं करें, और लो क्वालिटी तो बिल्कुल नहीं करेंगे, वरना आपकी ये डॉक्यूमेंट जो है डिक्लाइन हो जाएंगे. अच्छा, तो यहाँ पर जब आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हो तो यहाँ पर JPEG, PNG, JPG, PDF, ये सब कुछ इस सब कुछ में से आप यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हो. मैक्सिमम 200 MB पर अपलोड आपकी 200 MB होने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए. अगर आप किस फाइल को अपलोड करते हो, अगर PDF में हो या कुछ चीज़ में भी हो ना, तो 200 MB से ज़्यादा नहीं हो, कम से कम यहाँ पर ज़्यादा जो हो तो 200 MB तक हो. अच्छा, तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने कि जैसे आपको बताया कि हम डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अपलोड करते हैं तो प्रिंटिंग में जाते हैं, 2 घंटे से लेकर 3 दिन तक लग जाते हैं. अगर अप्रूव हो जाए तो अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर परचेज करे, तो आपको $10 पर डॉक्यूमेंट्स और जो है ये मिलेंगे, और अगर डिक्लाइन हो जाए तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है. और यहाँ पर आप इस जगह से आप क्लिक करके कोई डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं. तो कोशिश यही करें कि अच्छे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर, कोई अच्छी टॉपिक हो उसके बारे में भी आप यहाँ पर अपलोड करें, कोई पिक्चर्स वगैरह स्कैन करके. अच्छा, नेक्स्ट क्या है, आप अपने पैसे को कैसे विड्रा कर सकते हैं. जब आपको पैसे मिल जाए तो आप उसको कैसे विड्रा कर सकते हैं. अच्छा दोस्तों, तो विड्रा करने से पहले एक और चीज़ भी हम आपको बताएंगे. यहाँ पर आप मेन्यू पर क्लिक करेंगे, मेन्यू पर क्लिक करने के बाद बिकम अ ट्यूटर. अगर आप टीचिंग कर सकते हो तो आपको अपनी टीचिंग से भी जो है यहाँ पर आप फ़ायदा हो सकते हैं. आप मंथली यहाँ से बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, लेकिन लोवेस्ट प्राइस इनके, लोवेस्ट सर्विस फ़ीस इनकी जो है ये 20% है. आप इनको जब पेमेंट करेंगे तो यहाँ पर आप मंथली इनसे बहुत अच्छे कमा सकते हो. अगर नई पेमेंट नहीं करना चाहते हो तो आप फ्री में भी कमा सकते हो, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके कमा सकते हो. अच्छा, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट यहाँ पर हम अपनी सेटिंग को जो है सेटिंग में जाएंगे. सेटिंग में यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर अगर कोई चीज़ वगैरह गलत हो या आप अगर आप अपना पासवर्ड वगैरह चेंज करना चाहते हो, यहाँ पर चेंज कर सकते हो, यूज़र नेम चेंज कर सकते हो, न्यू पासवर्ड, यहाँ पर आप स्कूल नेम भी चेंज कर सकते हो, और यहाँ पर आप अपने कोर्स जो है यहाँ पर स्टार्ट टाइपिंग भी कुछ कर सकते हो, और फिर सेव एंड अपडेट पर क्लिक करेंगे. तो चलिए हम यहाँ पर आपको बताएंगे कि आप अपने बैलेंस को विड्रा कैसे कर सकते हैं. यहाँ पर मैं माय बैलेंस पर क्लिक करता हूँ. माय बैलेंस पर क्लिक करने की बात यहाँ पर आप देख सकते हो अभी. अच्छा, माय बैलेंस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो नोटबुक अनलॉक्स. यहाँ पर मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं विड्रा नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास कम अज़ कम $50 होने चाहिए
विड्रा करने के लिए। यहाँ पर मैं विड्रा मनी पर क्लिक करता हूँ। विड्रा मनी पर जब मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपकी यहाँ पर आप देख सकते हो पायोनियर में भी आप विड्रा ले सकते हो। ये थोड़ा सा मैंने जूम आउट कर लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हो पायोनियर, पेपाल, ट्रांसफ़र वाइज, वेस्टर्न यूनियन, एच बैंक डिपॉजिट, अच्छा चेक के ज़रिए भी आप कर सकते हो। और यहाँ पर आप देख सकते हो एम पैसा है क्या है, ये भी आप कर सकते हो। तो जैसे कि मैंने आपको कहा है कि यहाँ पर मैं विड्रा नहीं कर सकता, मेरे पास मिनिमम $50 अगर हो यहाँ पर आप देख सकते हो तो मैं उसे विड्रा कर सकता हूँ, वरना यहाँ से मैं विड्रा नहीं कर सकता हूँ। तो यहाँ पर आप बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें। और लास्ट में हाँ एक बात ज़रूरी आप यही याद करें, ज़्यादा लोग इसको स्किप करते हैं, वो कह रहे हैं कि यार आप लैपटॉप से कर रहे हो, पीसी से कर रहे हो, तो ये जॉब हमारे लिए नहीं है, हम ये नहीं कर सकते। आप बिल्कुल मोबाइल से भी कर सकते हो, बिल्कुल मोबाइल से भी। जब आप इस वेबसाइट पर जाओगे studypool.com जब आप देंगे यहाँ पर आप बिल्कुल कर सकते हैं, मोबाइल से कोई इशू नहीं है। बिल्कुल मोबाइल में आप डेस्कटॉप साइज भी यूज़ कर सकते हो, और अगर डेस्कटॉप साइज यूज़ नहीं कर सकते हो ऐसे भी यूज़ कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, डजेंट मैटर। इंशाल्लाह आप बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हो। तो भाई और बहनों, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाजमी एक लाइक तो बनता है, एक लाइक, और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए, ताकि ऐसी आपको और अच्छी अच्छी वीडियोस हम अपलोड करें, ताकि आपको भी फ़ायदा हो और दूसरों को भी फ़ायदा हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।